है कि 1000 लड़कियां साल की फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार होती हैं, और मैं यहां पे पाकिस्तान एम्बेसी वालों से सवाल करता हूं कि ये सिर्फ लड़कियों को विस्डम क्यों मिलती है, कि वो अल्लाह ने इनको क्यों रोशनी डाली है कि वो मुसलमान हो जाती है, लड़के क्यों नहीं होते? एक हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी माँ बाप बच्ची पैदा करते हुए डरते हैं। वो ये डरते हैं कि हम बच्ची पैदा करेंगे, 12-13 साल की होगी, इसका अगवा करके हमारे सामने ले जाएंगे, तो वो बच्ची पैदा करते हुए डरते हैं। ये माशरा है पाकिस्तान। अब इंसानों के रहने की सोसाइटी नहीं रह गई। आपने देखा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, जिसने अफगानिस्तान में अभी साबित कर दिया। आज सुबह काबुल में तालिबान घुसे हैं तो पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान में तो कोई नॉन मुस्लिम को नहीं मारा जा रहा, वहां पे तालिबान मुसलमान लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। 15 से 45 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। इनकी दरिंदगी के आगे कोई नहीं बच रहा कोई, और पाकिस्तान की सोसाइटी पे मुझे अफसोस होता है कि अगर यही तालिबान पाकिस्तान में आके इनकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे तब ये क्या करेंगे, क्या जश्न मनाएंगे? ये इतनी मूर्ख कौम है कि जो टेररिस्टों को सपोर्ट नहीं करती, टेररिस्टों को क्रिएट करती है और फिर एक्सपोर्ट करती है, खास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज में, जबकि पूरी दुनिया में जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान है। आपको अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें बतूल नामी एक लड़की पुलिस कार में पेट्रोल बम फेंकते हुए पकड़ी गई, पता चला पाकिस्तान की स्टूडेंट थी। आपके